दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर होंगे। वही अयोध्या जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर रायबरेली रोड पर स्थित आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय कृषि मेला का उद्घाटन करेंगे। यह कृषि मेला 20 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा। कृषि मेले में किसानों के लिए कृषि प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें कृषि संबंधित जानकारियां व कृषि उपकरण भी प्रदर्शित किए जाएंगे। कृषि मेले के दौरान कृषि गोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें बुद्धिजीवी लोग भाग लेंगे और किसानों की आमदनी कैसे दुगनी की जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। कृषि मेले के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मंत्री रमापति शास्त्री एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजेंद्र सिंह, जिलाधिकारी अनुज झा, DIG, SSP दीपक कुमार, SP ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह व भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। किसान मेला और कृषि प्रदर्शनी है, ये वास्तव में जो अयोध्या मंडल है और आसपास के जो देवीपाटन मंडल है, इनके जो किसानों के लिए जो कृषि प्रौद्योगिकी है, चाहे राज्य सरकार द्वारा विकसित की गई हो या विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई हो या प्राइवेट संस्थानों द्वारा विकसित की गई हो या किसी किसानों की सफलता की कहानी हो, उस सबको हम लोग प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पर जो है दर्शाएंगे, ताकि जो किसान आए अन्य जिलों दूर दराज से वो कृषि में विविधता को देखें, कृषि विकास के बढ़ते चरणों को देखें और कैसे किसानों की आय दोगुनी करनी है उस पर उसको बारीकी से देखें। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी का तो लोकार्पण का, शिलान्यास का, जो भी विश्वविद्यालय के संबंधित योजनाएं हैं उसका तो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा इसमें हम लोग गोष्ठी का भी आयोजन किए हैं किसी किसी समय की, चाहे कृषि विविधीकरण हो, पशुओं से संबंधित हो, दूध उत्पादन हो, पोल्ट्री हो, चाहे मक्खी पालन हो, मशरूम पर हो, मछली पालन हो, इस तरह से उद्यान के विभिन्न अवयव हैं उन पर हैं, तो किसानों की आय कैसे दुगनी करनी है, किन किन चीजों को अपनाना है, उस पर किसी की पुष्टि होगा।